महाराष्ट्र के राज ठाकरे की कुर्सी जो है वो अब उनके पास नहीं रही है, तो बौखला चुके हैं। बौखलाहट का नशा इतनी तेज हो चुका है कि महाराष्ट्र के राज ठाकरे अब बोल रहे हैं कि उनको लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज अब उनके कानों तक चुभती है, अब उनको रात में नींद नहीं आती है। तो देश में अजान और आरती 1947 देश की आजादी से लेकर 2022 तक आज तक बज रही है। तो क्या राज ठाकरे अभी तक सोए हैं या जगे हुए हैं, ये बात आप बताइए। और राज ठाकरे उस वक्त कहां सोए हुए थे जब महाराष्ट्र से आज उन्हें याद आ रही है ना यूपी वालों की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर और मस्जिद की राजनीति। तो राज ठाकरे वहां कब सोए हुए थे, जब सोए हुए क्यों थे, जब महाराष्ट्र से बिहार वालों को मार के भगाया गया, जब महाराष्ट्र से यूपी वालों को मार के भगाया गया, तब राज ठाकरे क्यों नहीं उठे, तब राज ठाकरे आकर क्यों नहीं बोलते हैं। तो ये लोग देश का माहौल खराब करने में लगे हों, चाहे राज ठाकरे हों, चाहे फिर वो आपका साक्षी महाराज हों जो बोल रहे हैं बांग्लादेश की फोटो को शेयर करते हुए कि पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी, आप खुद हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल और तीर कमान ले लीजिए। ये लोग देश में सारे आम हिंसा की बात करें और सरकार इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती है। और आज मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोग, ऐसे सड़क छाप दो नंबर के लोग जिन्हों के पास माइंड नहीं है, खुलेआम देश में दंगे की बात कहते हैं, हिंसा की बात करते हैं और सरकार इन्हें गिरफ्तार नहीं करती है, उठा के जेल में नहीं डालती है। तो शर्म आती है इन जैसों के ऊपर इनको देखकर। ये लोगों को मुझे ये समझ में नहीं आता, इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है या मौलाना या पंडित चुना है इन्हें। ये बात करते हैं मंदिर मस्जिद की, अरे एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, देश के अंदर रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए बात करो। जब आप साक्षी महाराज की बात करते हैं तो एक और सांसद है बीजेपी की, प्रज्ञा ठाकुर, वो कहती है धर्म के नाम पर एक देश पहले ही दे दिया गया है, तो अब यहाँ पे रह के क्या कर रहे हैं आप लोग, वहीं चले जाओ। अरे भैया सुनिए, ये आपके पिताजी का या आपके बाप दादा का देश नहीं, हिंदुस्तान सभी का है, ठीक है ना। और देश में धर्म के नाम पे जो बंटवारा हुआ था वो लोग चले गए पाकिस्तान, जिनको पाकिस्तान से प्रेम था वो पाकिस्तान चले गए। अब आप नहीं बताएंगे कि कौन हिंदुस्तान में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ठीक है ना। हिंदुस्तान एक सेकुलरिज्म कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सभी लोग रह सकते हैं, सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग रह सकते हैं। जब इस देश की माएँ अपने बेटों को आर्मी में भेजती हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो भी तो मुसलमान है बच्चे, तो आप उनको कैसे कह रहे हैं कि भैया कि धर्म के नाम पे देश झुके हैं। और आप बताएंगी देशभक्ति का पाठ, आपके ऊपर खुद मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा हुआ है, आप बताएंगी हमें देशभक्ति क्या होती है, हैं? फिर भी सांसद है मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये लोग देश के अंदर सिर्फ माहौल खराब करने का काम करते हैं और इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तो राज ठाकरे तो कह रहे हैं कि हम ईद तक खामोश, ईद के बाद हम हर जगह हर मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, इस पर क्या कहेंगे। अरे भैया आप हनुमान चालीसा का पाठ तो जब पढ़ेंगे, आप सुन लीजिए, आप हनुमान चालीसा देखिए कैसी आपको हनुमान चालीसा याद है, किताब में से देख के आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपको हनुमान चालीसा भी याद नहीं है। पहले पढ़ने के लिए आप देख तो लीजिए बीजेपी के नेता कैसे पढ़ रहे थे, कार्यकर्ता देख देख के, पहले पढ़ने के लिए याद भी तो होनी चाहिए, आपको तो याद ही नहीं है, आप तो सिर्फ ठेकेदार बने पड़े हैं, आपको तो याद भी नहीं कि हनुमान चालीसा होती क्या है, आपको याद है, आप तो सुना भी नहीं सकते हनुमान चालीसा। एक असली धर्म का व्यक्ति आपको हनुमान चालीसा सुना देगा, उसको किताब में से देखने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, हर जगह बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे, बुलडोजर की राजनीति आ गई है। बुलडोजर तो इस देश के अंदर न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा रहा है। अगर मैंने गलती करी है तो आप उसकी सजा मेरे को देंगे ना, मेरे परिवार को थोड़ी, आप उस पे बुलडोजर, मेरे घर पे बुलडोजर चला के उसकी सजा आप मेरे पूरे परिवार को दे रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, इसका पूरा देश विरोध करता है। जहांगीरपुरी की घटना पे आप क्या कहना चाहते हैं, किन चीजों को दोषी मानते हैं वहाँ पे? इसके लिए कोई दोषी नहीं है सिवाय देश की मीडिया के। मीडिया पूरा प्रोपोगंडा चलाती है, अली बजरंग बली, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद मंदिर मस्जिद गिरजाघर, कभी लाउड स्पीकर। अरे आपको एक बात समझ में नहीं आती है, आप टहलते टहलते वहां रसिया यूक्रेन की खबर दिखा रही है पूरे घूमते हुए, भारत देश की दिखाइए ना कि यहाँ नींबू कितना महंगा हो रहा है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, और जीडीपी जो बढ़ रही है उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। मीडिया में नहीं, जीडीपी जो बढ़ रही है उस पर बात करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं, क्या जीडीपी तो बढ़ रही है, तो अडाने कह दिए हम जीडीपी बढ़ाएंगे 2-3 साल बाद। हाँ तो बढ़ा ही रहे हैं, अरे अभी से बढ़ा रहे हैं, देखा नहीं क्या, जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल तीनों बढ़ रहे हैं, जीडीपी बढ़ तो रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है आप देख लीजिए। अब जीडीपी का मतलब ही इन्होंने बदल दिया है। ये लोग हिंदू और मुस्लिम में इलझाकर जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तब उस देश की सरकार वहां के लोगों को हिंदू और मुस्लिम में इलझा के रखती है, ये इस सरकार का एक पुराना प्रोपोगंडा है। अच्छा मोहित शर्मा, यूके के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं करते बल्कि अडारी स्वागत करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब आप ये देख लीजिए ना, यही होता है देश की हालत। अब प्रधानमंत्री जी थोड़ी है ठेकेदार, ठेकेदार तो वो है असली, वो है मालिक, उनको बना रखा है व्यापार, उनको दे रहे हैं, मोदी जी थोड़ी है।
मोदी जी तो आप समझिए मेन तो अंबानी अडानी हैंडल कर रहे हैं, जिनको लाखों करोड़ों का बिजनेस मिल रहा है, कोविड में भी पैसा बढ़ रहा है, वही है भैया इस देश के उद्योगपति। तो तभी तो हम आपसे बोल रहे हैं कि जब सभी चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो नेता मंत्री का भी कर दो, एमएलए और एमपी भी किराए पे रख लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।